Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 22nd October 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Competition Commission of India, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially from the segment regulators, because Competition Commission of India is a regulator of the market segment of Indian economy. Iska main kaam kya hota hai aage is yahan pe hum log dekhenge slide mein, lekin jaisa ki aap naam se hi samajh rahe hain, iska main purpose hai ki हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर मार्केट के अंदर प्रॉपर कंपटीशन को ये प्रमोट करे, कहीं भी मोनोपोली या ड्यूओपोली को ना होने दे, जिससे फिर क्या होता है कि अननेसेसरी जिनकी भी मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल डेवलप हो जाती है, फिर वो लोग कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं. तो ये काम है इस कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का. इट इज़ ए स्टैचूटरी बॉडी. स्टैचूटरी बॉडी मीन्स a body created according to a law of the government. So it is a statutory body created as per Competition Act of 2002. So is commission ko banane ka main purpose kya tha? To prevent practices having adverse effect on competition. To koi bhi aisi practice na hone de jiska competition pe adverse effect pare. Yahan competition se hamari baat ho rahi hai market competition. Jo market ka true market वही जगह होता है जहाँ पे अलग अलग तरह के जो बायर्स हैं या सेलर्स हैं, खासकर सेलर्स के बीच में ट्रू और हेल्दी कंपटीशन हो. एंड दूसरा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट. दीज आर द टू बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कमीशन. तो बेसिकली कंपटीशन को बनाए रखना और आगे बढ़ाते रहना इस कमीशन की मेन जिम्मेदारी है. तो इस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन इकोनॉमी में? तो किसी भी लिबरल इकोनॉमी में, आपको तो पता है कि 1991 के बाद से इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स ला दिए गए हैं. सो इंडिया इज मूविंग क्लोजर टू द आइडिया ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, एंड दैट ऑटोमेटिकली विल लीड टू ग्लोबलाइजेशन. तो लिबरल इकोनॉमी में हर एक बिजनेसेस को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, हर एक बिजनेसेस को बराबर तौर पर सपोर्ट मिलना चाहिए सरकार का, या फिर किसी को भी अनड्यू एडवांटेज नहीं होना चाहिए, राइट? अदरवाइज किसी भी एक बिजनेस को मान लीजिए कि लोकल एजेंसीज या लोकल लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बैंक से आराम से लोन मिल जाता है और उसको सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहाँ से जल्दी जल्दी अप्रूवल मिल जाते हैं, जबकि बाकी बिजनेसेस को अगर नहीं मिल रहे हैं, तो दैट विल गिव अन एडवांटेज टू दैट बिजनेस विच इज़ गेटिंग अप्रूवल्स इन ईजियर मैनर्स, एंड दैट इज़ नॉट ट्रू कॉम्पिटिशन. ट्रू कॉम्पिटिशन का मतलब द सिस्टम शुड बी फेयर. यही इंश्योर कराना काम होता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का कि ट्रू कॉम्पिटिशन हो. दिस हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड अवॉइडिंग मोनोपोली. और इससे सबसे ज़्यादा फायदा कस्टमर्स का होता है. मार्केट में अगर अलग अलग सप्लायर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और सब में इंटेंस कंपटीशन है, उस कंपटीशन के कारण हर एक सप्लायर या सर्विस प्रोवाइडर बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट सस्ते से सस्ते दामों पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगा, एंड दैट अल्टीमेटली विल हेल्प द कस्टमर्स. दे विल गेट द बेस्ट सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट इन चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस. सो दिस इज हाउ CCI एंश्योर्स, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एंश्योर्स दैट देर इज नो मोनोपोली. इट एंश्योर्स दैट नो बिग कंपनी टेक्स एडवांटेज of its position. No big company, may it be Reliance or Tata, just because they are big, they should not take undue advantage of their large size over the new startups. अब current news क्या है? Why are we reading about Competition Commission of India? क्योंकि हाल फिलहाल में Competition Commission of India ने लगभग 1337 करोड़ की पेनल्टी लगाई है Google के ऊपर. गूगल पे ये पेनल्टी क्यों लगाई है, अगर ये हम समझ जाएंगे तो अगेन हमें एक एग्जांपल की मदद से समझ आ जाएगा द रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. तो गूगल क्या करता रहा है? गूगल का जो प्ले स्टोर है, एंड्रॉयड प्ले स्टोर, दैट इज़ मोस्ट पॉपुलर प्ले स्टोर फॉर डाउनलोडिंग न्यू एंड न्यू ऐप्स. तो गूगल क्या करता रहा है कि जो गूगल के खुद के ऐप्स हैं जैसे गूगल पे, उसको वो ब्रॉड तरीके से दिखा देता है. जैसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आप अगर पेमेंट के ऐप्स ढूंढेंगे तो सबसे पहले वो आपको गूगल
प्ले स्टोर दिखा देगा। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे और अगर कोई भी पेमेंट ऐप ढूंढेंगे तो सबसे पहले आपको गूगल पे दिखा देगा, जो कि गूगल का खुद का ही अपना पेमेंट ऐप है। बाकी सारे जो कॉम्पिटिटर पेमेंट ऐप्स हैं उसको वो छोटा दिखाएगा, कई बार ब्लर्ड कर देगा। तो मुद्दा यह है कि गूगल का अपना जो डोमिनेंट पोजीशन है ऐप के मार्केट में, खासकर प्ले स्टोर जहाँ से ऐप को डाउनलोड किए जा सकते हैं, उसमें गूगल का जो डोमिनेंट पोजीशन है उसका गूगल अनड्यू फायदा उठाता है और अपने ऐप्स को ज़्यादा ज़्यादा प्रमोट करता है। और दिस वे इट इज़ नॉट अलाउिंग लेवल प्लेइंग फील्ड अमंगस्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेमेंट ऐप्स लाइक गूगल पे और फोन पे। एंड दिस वॉज रियलाइज बाय कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कि गूगल इज यूजिंग द मोनोपोलिस्टिक पावर टू गिव एडवांटेज टू इट्स ओन पेमेंट ऐप्स एंड दैट इज हाउ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑन गूगल। तो आई होप आपको इससे एक बात समझ आ गई होगी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरीके से काम करता है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आईपीसी 295A एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है आईपीसी 295A? तो इंडियन पिनल कोड का जो ये सेक्शन है 295A, इट सेज कि हु एवर विथ डेलिबरेट एंड मलिशियस इंटेंशन ऑफ आउटरेजिंग द रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास और सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज इंसल्ट्स और अटेम्प्ट्स टू इंसल्ट द रिलीजन और रिलीजियस बिलीव्स ऑफ दैट क्लास shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। तो सरल बात यह है, अगर सेक्शन 295A ऑफ आईपीसी देखें तो कोई भी इंसान रिलीजन के नाम पे अगर कुछ ऐसी बातें कह रहा है जिससे कॉम्युनल हेट्रेडनेस फैलने के चांसेस हैं और कॉम्युनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, तो उस केस में उस इंसान के ऊपर 3 साल की सज़ा या फाइन या दोनों ही लगाया जा सकता है। तो सरल भाषा में अगर इसको और सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो अगर कोई हेट स्पीच दे रहा है, तो हेट स्पीच मतलब किसी भी दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ भड़काऊ बातें कह रहा है, ऐसी बातें कह रहा है जिससे दो कम्युनिटी के बीच में दंगे फैल सकते हैं, तो अगर कोई हेट स्पीच डिलीवर कर रहा है तो उस केस में आईपीसी सेक्शन 295A के अंतर्गत उस इंसान के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उसको 3 साल की जेल हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि जो आईपीसी सेक्शन 295A है इसका मेन पर्पस है टू अवॉइड हेट स्पीच and this is how to preserve harmony in a multi-religious society। तो अलग अलग सोसाइटी में, खासकर हमारी जो सोसाइटी है multi-religious सोसाइटी है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं, सो ऐसे multi-religious सोसाइटी में इट्स इम्पॉर्टेंट कि कोई एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ हेट स्पीच का इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज देर विल बी मोर कम्युनल डिसहारमनी। तो इसी को कहते हैं हेट स्पीच विच हैज़ बीन कवर्ड अंडर आईपीसी 295A। In 1957, a 5-judge bench of the Supreme Court upheld constitutionality of this IPC 295A. तो ये केस का नाम है रामजी लाल मोदी केस। इस रामजी लाल मोदी केस में IPC 295A के कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे क्वेश्चन रेज किया गया कि इट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। और किस ग्राउंड पे इसके कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे क्वेश्चन रेज किया गया? IPC 295A was seen in contradiction with Article 19(1)(a) which guarantees freedom of speech and expression। और फिर वो माना गया कि अगर हम अपने freedom of speech and expression का इस्तेमाल करते हुए अगर कोई भी स्पीच देते हैं तो हो सकता है कि जो enforcement agencies हैं वो हमें हेट स्पीच, उस freedom of speech एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके हम जो स्पीच दे रहे हैं उसको हेट स्पीच की तरह मान करके अथॉरिटीज़ हमें अरेस्ट कर ले। तो दिस इज़ हाउ दिस पर्टिकुलर सेक्शन आईपीसी का 295A इज़ लिमिटिंग आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इस बेसिस पे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया था 1957 में इन रामजी लाल मोदी केस।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर याद दिलाया इन दिस केस कि आर्टिकल 19(1)(a) इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट एंड इट इज सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दैट हैज बीन गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(2) एंड दिस इज हाउ सेक्शन 195 और 295(a) ऑफ आईपीसी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को जायज ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने. लेकिन सेक्शन 295(a) ऑफ आईपीसी यानी कि हेट स्पीच को लेकर के कई सारे सवाल अक्सर उठते रहते हैं. जैसे मैंने पहले आपको बताया, अभी बताया कि इट इज़ सीन एज इन कॉन्ट्राडिक्शन विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a). तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कोई एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट टू फाइट अगेंस्ट सुपरस्टिशन एंड प्रिजुडाइसिस को भी सप्रेस कर दिया जाए. अगर कोई इंसान मान लीजिए कि एनिमल सेक्रीफाइस के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट दे रहा है और कोई दूसरे लोग, दूसरे धर्म के लोग इसको मान ले कि नहीं नहीं आपने तो हमारे धर्म का इंसल्ट किया है और इस कारण से आपके खिलाफ केस होना चाहिए अंडर आईपीसी 295(a), तो ऐसे भी हो सकते हैं कि प्रोग्रेसिव आइडिया सप्रेस हो जाएं इस आर्टिकल के कारण या इस सेक्शन के कारण, सेक्शन 295(a) ऑफ आईपीसी. तो आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी एक्सप्रेशंस पे भी कभी कभार इसका एक चिलिंग इफेक्ट होता है. फॉर एग्जांपल एमएफ हुसैन ने एक पेंटिंग बनाई, उस पेंटिंग को काफ़ी सारे हिंदू कम्युनिटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं या ग्रुप्स हैं दे कंसिडर्ड इट ब्लास्फेमस कि आपने पेंटिंग में हमारे देवी देवताओं का इंसल्ट किया है. तो बट एमएफ हुसैन फेल्ट लाइक इट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ माय आर्टिस्टिक और लिटरेरी एक्सप्रेशन. तो बहुत बार और एमएफ हुसैन के खिलाफ उस केस में सेक्शन 295(a) ऑफ आईपीसी के अंतर्गत केस भी रजिस्टर किया गया. तो अब एमएफ हुसैन फेल्ट लाइक ही इज प्रैक्टिसिंग हिज क्रिएटिविटी बट उनके खिलाफ ये केस रजिस्टर कर दिया गया था. एंटी ब्लास्फेमी लॉ सेक्शन 295(a) इज कंसिडर्ड एज इंडियन वर्जन ऑफ एंटी ब्लास्फेमी लॉ. एंटी ब्लास्फेमी लॉ कई सारे जो रेडिकल कंट्रीज हैं जैसे कि पाकिस्तान या इस्लामिक कंट्री ज़्यादातर वेस्ट एशिया के, वहाँ पे ये सब चलता है. जहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ धर्म के खिलाफ कर दिया आपने तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं. तो एंटी ब्लास्फेमी लॉ इज जनरली कंसिडर्ड अगेंस्ट सिविल राइट्स स्पेशली द राइट्स ऑफ फ्रीडम एंड इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. सो दैट इज़ वाई इट इज़ क्रिटिसाइज्ड कि इट इज़ इंडियन वर्जन ऑफ एंटी ब्लास्फेमी लॉ प्रैक्टिस इन पाकिस्तान एंड ऑल. सो ऑन वॉट ग्राउंड कैन वी क्रिटिसाइज पाकिस्तान कि यू प्रैक्टिस ब्लास्फेमी बिकॉज वी ऑल्सो हैव सिमिलर लॉ बट विथ डिफरेंट नेम. सो दैट इज हाउ इट इज ऑल क्रिटिसाइज एंड देन इट इज ऑल्सो सेड कि देर आर अदर मीन्स ऑल्सो टू डील विथ हेट स्पीचेस एंड अदर मीन्स के बारे में हम आगे देखेंगे अगले पेज पे. सो वाई टू हैव सच एन स्ट्रिंजेंट लॉ सेक्शन 295(a) ऑफ आईपीसी टू डील विथ हेट स्पीच व्हेन देर आर अदर प्रोविजंस एज वेल. हाल फिलहाल में ये सेक्शन 295(a) ऑफ आईपीसी क्यों न्यूज़ में आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इस पे फिर से चर्चा करते हुए कहा है कि हेट स्पीच इन आर कंट्री इज ऑन द राइज एंड इट मस्ट एंश्योर, द गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर कि जो हेट स्पीच को कर्व करने के लिए अलग अलग प्रोविजन हैं उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल हो. तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर ग्रोइंग इंसिडेंट्स ऑफ हेट स्पीच इन द कंट्री एंड डायरेक्टेड द गवर्नमेंट एंड पुलिस अथॉरिटी शुड टेक सुओ मोटो एक्शन इन सच केसेज विदाउट वेटिंग फॉर लॉजिंग ऑफ द फॉर्मल कंप्लेन. तो अगर कोई इंसान मान लीजिए सेक्शन 295(a) ऑफ आईपीसी के अंतर्गत केस रजिस्टर करने नहीं भी आ रहा है तब भी पुलिस जो है वो सुओ मोटो यानी कि खुद से ही एक्शन ले सकती है इन केस ऑफ हेट स्पीच, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है. एक इस तरह का मेन्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है. द इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ हेट स्पीच हाईलाइट द लॉज मीट टू कर्ब हेट स्पीच ऑल्सो सजेस्ट सम रेमेडियल मेजर्स टू कर्ब दिस मेनेस. तो हेट स्पीच के लिए जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि देर आर अदर प्रोविजन अवेलेबल एज वेल 295(a) के अलावा हेट स्पीच को रोकने के लिए. तो अदर प्रोविजंस में है सेक्शन 153(a) या सेक्शन 125(a) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट या फिर सेक्शन 505 ऑफ आईपीसी विच क्रिमिनलाइजेस मल्टीपल काइंड्स ऑफ स्पीच विच आर लाइकली टू इंसाइट कॉम्युनल डिसहार्मनी. तो और भी प्रोविजंस हैं. वाई टू हैव सच ए स्ट्रिंजेंट नॉर्म इन ऑर्डर टू कर्ब हेट स्पीच विच कैन हैव चिलिंग इफेक्ट ऑन आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो ये हिंट्स पढ़ करके आप इस मेन्स प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. क्या रेमेडियल मेजर्स लिए जा सकते हैं? तो रादर देन स्ट्रिक्ट लॉ वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस कि लोग खुद ही अवेयर हो जाएं और उनको अपने राइट्स और वायलेशन ऑफ राइट्स, दूसरों के वायलेशन ऑफ राइट्स के बीच का अंतर समझ आए. हमारे देश में इंटरफेथ
रिलीजियस डायलॉग्स को प्रमोट किया जाए, लोगों के अंदर टॉलरेंस प्रमोट किया जाए, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि आजकल हेट स्पीच इज़ नॉट जस्ट इन वर्बल फॉर्मेट, इट इज़ मोर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो टेक्नोलॉजी की मदद से हेट स्पीच को पहले ही फिल्टर आउट कर दिया जाए कि वो फिर समाज में डिसहार्मनी प्रमोट ही ना करें। सो ऑल सच थिंग्स कुड बी डन इन ऑर्डर टू अवॉइड हेट स्पीच। ग्रेट इंडियन बस्टर, दिस इज टॉपिक नंबर थर्ड फॉर द डे। सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो ये इस तरह का लार्ज साइज का बर्ड होता है। इसको लेकर के ये बात याद रखना, यूपीएससी पूछ लेता है इस पर सवाल। मुझे लगता है पिछले 2-3 सालों में एक बार तो इस पर सवाल आया ही है, उसके अलावा 2011-12 में भी इस पर सवाल आया है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है, मतलब वन ऑफ द हाइएस्ट थ्रेट ऑन इट्स सर्वाइवल। दुनिया भर में सिर्फ 185 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड रह गए हैं। दीज आर वन ऑफ द हेवीएस्ट बर्ड, हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड। तो ज़्यादा उड़ नहीं पाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह बस उड़ पाते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस तक कवर नहीं कर पाते। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की है राजस्थान में, उसके बाद गुजरात में। अब देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सबसे ज़्यादा है राजस्थान में, 150 में 128 तो बस अकेला राजस्थान में है, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर है जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में। एंड ग्रेट इंडियन बस्टर दैट इज़ वाई हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, एंड इट जनरली प्रेफर्स फ्लैट ओपन लैंडस्केप। तो फ्लैट लैंडस्केप पे जहाँ पे छोटे छोटे ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पे ये रहना प्रेफर करता है, ताकि इसका जो विजुअल ऑब्स्ट्रक्शन है वो कम से कम हो। इट हैज़ बीन लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1972, यानी कि गिवन वन ऑफ द हाइएस्ट प्रोटेक्शन अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोदावन इन राजस्थान। तो ये है कॉमन नाम, जिस लोकल नाम जिससे इसको राजस्थान में जिस नाम से बुलाया जाता है। IUCN में इसका कैटेगराइजेशन है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। करेंट न्यूज़ ये है कि हाल फिलहाल में कई सारे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं राजस्थान साइड से वो बॉर्डर क्रॉस करके, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान साइड में जा रहे हैं। सो देर हैव बीन साइटिंग ऑफ सम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हु हैव बीन ट्राइंग टू मूव इनटू पाकिस्तान्स चोलिस्तान डेजर्ट रीजन। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि इंडियन साइड में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की हंटिंग हो रही है अभी भी, जबकि ये इलीगल है। ग्रासलैंड्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनके जो मेन हैबिटेट्स हैं उनको हम ज़्यादातर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एट ए फास्टर पेस, एंड दैट इज़ वाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स आर नॉट लेफ्ट विथ इनफ अमाउंट ऑफ ग्रासलैंड्स ऑन द इंडियन साइड, एंड दैट इज़ वाई दे आर बीइंग फोर्स्ड टू मूव टू द पाकिस्तान साइड। तो दिस इज़ नॉट एन अनफॉर्चुनेट थिंग कि एक तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है बेचारा, जितने बचे हैं उसको भी हम पाकिस्तान भेज रहे हैं। सो दैट इज़ अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैपन। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे मैंने आपको बताया, एक सवाल तो हाल फिलहाल में आया था, मुझे लगता है 19 या 20 में आया था यूपीएससी में, 2014 में ये सवाल आया था, डायरेक्ट नहीं आया था, 3 में से एक ऑप्शन में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का इस्तेमाल हुआ था। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप गेस करके इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रणाम एक्ट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माई सिलेबस जीएस पेपर 5 असमी सूस पॉइंट ऑफ व्यू। प्रणाम एक्ट का फुल फॉर्म है पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग एक्ट। द एक्ट वॉज पास्ड बाई असम लेजिस्लेटिव असेंबली इन 2017। प्रणाम एक्ट 2017 में असम लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया। क्यों पास किया, क्या है प्रणाम एक्ट का मेन प्रोविजन, वो जरा देखते हैं। इट मेक्स मैंडेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स एंड अनमैरिड डिफरेंटली एबल्ड सिबलिंग। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखना है, या फिर अनमैरिड अगर डिफरेंटली एबल्ड भाई बहन है तो उनका भी ध्यान रखना है जब तक वो खुद कमाने ना लग जाए। अगर वो डिफरेंटली एबल्ड सिबलिंग खुद कमाने लग जाए तब उनका फिर ध्यान नहीं देना है। उसके अलावा प्रणाम एक्ट में एक प्रणाम कमीशन भी बनाया गया है जिसका मेन काम होगा कि इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कराए, और अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ कंप्लेन आता है उनके माँ बाप की तरफ से कि वे हमारा ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसकी सैलरी का 10-15% तक हिस्सा काट करके डिडक्ट करके पेरेंट्स को डायरेक्टली दिया जा सकता है, या उनके डिफरेंटली एबल्ड सिबलिंग्स को डायरेक्टली दिया जा सकता है। सो अभी के लिए तो दिस एक्ट कवर्स स्टेट गवर्नमेंट ओनली, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ओनली एंड स्टेट PSUs एम्प्लॉयज़ ओनली। द employees of private companies and central government working in Assam are not covered in this act, but they might be covered at the later stage. तो इस act को detailed में जो सरकार ने इसके provision release किए हैं Assam Tribune newspaper में, तो यहाँ मैंने दे रखा है, more or less वही बातें हैं। इन provisions को भी आप ध्यान में रखेंगे तो that is more or less true।
अबाउट प्रणाम एक्ट, आप इसको पढ़ सकते हैं। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। सो द सैंक्शंस कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दैट वाज रिसेंटली न्यूज, द सैंक्शंस कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 1267 के अंदर बनाया गया, विच इज पोस्ट लिमिट सैंक्शंस ऑन तालिबान एसेट फ्रीज बैन राइट, एंड सैंक्शंस कमिटी ऑल्सो ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सैक्शंस मेजर एंड रिपोर्ट्स एनुअली टू द सिक्योरिटी काउंसिल। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फोटो केमिकल स्मॉग, इट टेंड्स टू अकर मोर ऑफन इन विंटर, दिस इज रॉन्ग राइट। फोटो केमिकल स्मॉग ज़्यादातर समर में होता है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इट डिपेंड्स ऑन प्राइमरी पॉल्यूटेंट एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, तो ये सही है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट नॉक्स नाइट्रोजन ऑक्साइड और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट परएसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो है जिसको हम लोग फोटोकेमिकल स्मॉग बोलते हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।